सर दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको पावर वीडर में प्रयोग होने वाली मल्टी क्लच प्लेट के बारे में यहाँ पर जानकारी दूंगा। ये हमारे पास पावर वीडर है, ये देखिए। इस पावर वीडर से इंजन से आने वाली क्रैंक शाफ्ट पर यहाँ पर मल्टी क्लच प्लेट असेंबली लगी होती है। ये देखिए, ये पूरा मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। देखिए, ये क्रैंक शाफ्ट है और क्रैंक शाफ्ट से इस वाले हिस्से पर आपकी पावर आती है। ये देखिए, मैं इसे लगाता हूँ और ये रोटेट होती है इस तरह। ये मल्टी क्लच असेंबली पूरी, देखिए ये मल्टी प्लेट निकाल रहा हूँ, मल्टी क्लच प्लेट हमारी। ये देखिए, ये इनपुट शाफ्ट है और यहाँ से आउटपुट शाफ्ट जाएगी गियर बॉक्स को। ये देखिए, इस तरह मल्टी क्लच प्लेट असेंबली लगी होती है। साथ में ये हमारे पास गियर बॉक्स है, इसी के साथ जुड़ा होता है आउटपुट शाफ्ट इसकी। ये देखिए, यहाँ से ये लगी हुई है क्लच, मल्टी क्लच असेंबली, प्लेट असेंबली। और इसको जब रिलीज बेयरिंग से हम लोग ऑपरेट करते हैं, ये देखिए, इसमें ये रिलीज बेयरिंग भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये ऑपरेट कर रहा हूँ मैं इसे अड़ा करके। हाँ, ये हाँ, ऐसे देखो। हाँ, ये हमारा गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स तक पावर जाता है। ये इस तरह लगा होता है, देखिए इस तरह। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।